गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये है क्लास 8 के लिए। आज हम पढ़ेंगे वेरीफाई वेरीफाई द फॉलोइंग। अब हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया होगा मल्टीप्लाई करना। आज हम इसमें करेंगे कि यहाँ पर दो रैशनल नंबर हैं इधर और दो रैशनल नंबर हैं इधर, हमको इनको इक्वेट करना है और इक्वेट करने के बाद हमको चेक करना है कि इनका आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे दो नंबर हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो अब आप देखिए कि इसमें हम किस किस को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमको पता है कि जो न्यूमरेटर 8 है उसको हमें चेक करना है कि ये 7 से या 10 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो 7 से तो नहीं हो सकता लेकिन 10 से हो जाएगा क्योंकि 8 और 10 दोनों 2 की टेबल में आते हैं। तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 4 का 8 एंड 2 5 का 10, इधर भी यहीं पर सेम हो जाएगा कि यहाँ पर भी ये हो जाएगा 4 ओपन। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो जो नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 7 इंटू माइनस 9 अपॉन 5 और इधर भी हो जाएगा माइनस 9 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 7। अब हमको देखना है कि फिर से हम कुछ और कैंसिल कर सकते हैं क्या। तो 9 जो है वो 7 और 5 से डिवाइड नहीं होगा, इस तरीके से 4 भी 7 और 5 से डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। सो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे। तो 9 इंटू 4, 9 फोर 36 और क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो प्लस माइनस विल बी माइनस। सो माइनस 36 एंड 7 फाइव 35। सो ये हो गया माइनस 36 अपॉन 35। यहाँ पे भी 9 फोर 36 क्योंकि माइनस का तो माइनस प्लस माइनस और 5 इंटू 7 7 फाइव 35। तो आप देखिए कि यहाँ पे भी माइनस 36 अपॉन 35 और यहाँ पे भी माइनस 36 अपॉन 35 दोनों का आंसर सेम आ रहा है। सो ये हो जाएगा कि जो LHS है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल टू कि जो लेफ्ट में होगा जो इस तरफ होगा ये होगा लेफ्ट हैंड साइड और इधर होगा वो होगा राइट हैंड साइड। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि माइनस 12 अपॉन 5 इंटू 7 अपॉन माइनस 36 इक्वल्स टू 7 अपॉन माइनस 36 इंटू 12 अपॉन 5। अब यहाँ पे भी हमको सेम वही करना है। सबसे पहले हमको चेक ये करना है कि यहाँ पे हम कोई दो नंबर्स को आपस में कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम 12 को चेक करेंगे, जो माइनस 12 है ये देखिए कि यहाँ पे 5 है और यहाँ 36 है। सो 5 की टेबल से तो 12 नहीं डिवाइड होगा, 36 और 12 जो है ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो 12 वन का 12 एंड 12 36 माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर देंगे, तो 12 वन 12 एंड 12 3 36 माइनस से माइनस चला जाएगा।
अब 7 और 5 आपस में डिवाइड नहीं होगा, तो हम इन नंबर को नोट कर लेते हैं यहीं पे। जो यहाँ बचा वो बचा है 1/5 7/3 इक्वल टू 7/3 1/5। अब जो ये बचा है, अब हमको इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ और कुछ भी आपस में डिवाइड और ज़्यादा नहीं होगा, तो अब हम इनको जो है वो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, सो 1 × 7 विल बी 7 एंड 5 × 3 = 15 इक्वल टू 7 × 7 विल अगेन बी 7 एंड 3 × 5 विल बी 15। सो द आंसर इज 7/15, और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ 7/15 ही है। सो एल एच एस इज इक्वल टू ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। इसको भी आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसका सॉल्यूशन नोट कीजिए और इसको अपनी कॉपीज में शेयर कीजिए इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे जो 8 है और जो यहाँ पर 8 है इक्वल टू के दोनों तरफ, इनके नीचे कुछ भी हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है। तो जिन भी नंबर में डिनोमिनेटर नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनके नीचे हम लगा देते हैं 1। तो यहाँ भी हो जाएगा 1 और यहाँ भी हो जाएगा 1। तो अब हमारे पास इनका डिनोमिनेटर है। अब हमको नेक्स्ट चीज़ ये चेक करनी है कि हम इनमें से कौन से दो नंबर्स को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे 8 के लिए हमारे पास 1 है और 12 है, तो 1 से तो नहीं होगा। 12 जो है, 12 और 8 जो है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। सो हम सबसे पहले इनको कर देते हैं। सो 2 4 8 एंड 2 6 12। सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर देंगे। सो 2 6 12 एंड 2 4 8। अब जो हमारे पास जो नंबर बचे हैं यहाँ पे, वो बचे हैं -4/1 इंटू -13/6 इक्वल टू -13/6 इंटू -4/1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम और इससे ज़्यादा फर्दर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। सो अब हमको क्या करना है, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 × 4 इज 52, और जो यहाँ पे साइन है माइनस और माइनस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि माइनस माइनस विल बी प्लस। सो माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लस का। और 1 × 6 इज 6, 13 × 4 अगेन इज 52 एंड 6, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे भी 52/6 विल बी इक्वल टू 52/6। यहाँ पे भी जो आंसर है वो दोनों बराबर आ गया है। तो जो है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसको भी आप जल्दी से कॉपीज में अपने नोट कीजिए और इसको आप समझिए। जो क्वेश्चंस हैं, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक जो मैं यूज करता हूँ, ये है आपकी मैथमेट्रिक्स की, ये वाली किताब है, आप देख सकते हैं इसको वीडियो में।
जो ये बुक है ये है आपकी मैथ्स की 8th स्टैंडर्ड की बुक, मैथ्स की मैथमेटिक्स करके है ये। और इसके जो राइटर हैं किताब के वो हैं राजीव शर्मा और नम्रता जैन, है ना। ये किताब का मैं नाम आपको यहाँ लिख देता हूँ, मैथमेटिक्स किताब का नाम है। और इनके राइटर हैं राजीव शर्मा एंड नम्रता जैन। इसी बुक में से आपको मैं होमवर्क दूंगा। आपको होमवर्क जो है वीडियो के नेक्स्ट नीचे ही आपको आपको एक इमेज फॉर्म में आपको मिल जाएगा कि आपको कहाँ से होमवर्क करना है। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंड थैंक यू।